हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि गाइस जो आज उन्होंने इसके प्राइस की डिमांड की है वो सच में ही बहुत कम करी है। एक बार ये आपने वीडियो स्टार्ट करी है तो आप इनके प्राइस तो ज़रूर देखना ही, क्योंकि गाइस इतनी अच्छी क्वालिटी का पपी और वो भी इतने कम प्राइस में, तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका अगर आप एक डोगो अर्जेंटिनो पपी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि गाइस मैं वीडियो के एंड तक आपको इसकी एज प्राइस लोकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो गाइस आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो गाइस आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और ये पपी आपसे मिस हो जाएगा। तो गाइस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और गाइस जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हर्ष आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल डॉग वर्ल्ड पे। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर शो होगा माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर करके। गाइस वो नंबर मेरा है, इट मीन्स आपके पास कोई डॉग या पपी सेलिंग के लिए है या आप उसके फ्री अडॉप्टेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे जगह व्हाट्सएप नंबर में मुझसे बात करके उसकी एज प्राइस लोकेशन की फुल डिटेल दे के वीडियो फोटोग्राफ दे के आप हमारे चैनल पर एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब आते हैं फाइनली वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो गाइज आप देख सकते हैं फुल शानदार क्वालिटी के डोगो अर्जेंटिनो का पपी है, ये सेमी एडल्ट पपी है, आप इसको देख सकते हैं फुली पावरफुल मस्कुलर एंड एक्टिव डॉग ब्रीड है। तो गाइज आप भी एक ऐसी डॉग ब्रीड परचेज करने के बारे में सोच रहे थे कि आपको गार्डिंग पर्पज से बिल्कुल भी कमी ना आए, तो गाइज वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है डोगो अर्जेंटिनो। यस गाइज डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, बट गाइज ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं है। यस गाइज अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर है तो गाइज मेरा सजेशन तो यही है कि आप इसको परचेज ना करें। फर्स्ट टाइम ओनर इसको अच्छे से सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग नहीं दे पाते, इसलिए गाइज ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं है। अगर आपने कोई पपी परचेज कर रखा है पहले तो गाइज आप इसको जब भी परचेज कीजिए। बाकी गाइज क्वालिटी तो फुली शानदार है, आप इसकी क्वालिटी देख ही सकते हैं, वो भी ओल्ड आइज का। यस गाइज एक आइज इसकी ब्लू है एंड एक आइज इसकी ब्लैक है, तो गाइज बहुत ही अच्छा मौका है डोगो अर्जेंटिनो को पपी को परचेज करने का। बाकी गाइज ओनर ने इसके फुली वैक्सीनेशन डन करा रखी है। यस गाइस ओल्ड वैक्सीनेशन ओनर ने डन करा रखी है एंड ईयर क्रॉपिंग करा रखी है, तो गाइस आप देख ही सकते हैं इसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, मनी स्पेंड हो जाती है ईयर क्रॉपिंग एंड वैक्सीनेशन में। तो गाइस ये ओनर ने डन करा रखी है और वो भी इसके बावजूद भी ओनर ने बहुत ही कम प्राइस की डिमांड करी है। तो गाइस आपको इसकी क्वालिटी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस पप्पी को परचेज करते हैं तो गाइस आपके पास कम से कम लार्ज स्पेस होना ही चाहिए, यस गाइस लार्ज होम हाउस होना चाहिए या फार्म हाउस होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये गार्डिंग सिक्योरिटी की वजह से काम आते हैं, गार्डिंग पर्पज से काम आते हैं, तो इनको काफी अच्छा स्पेस चाहिए। इस क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं है, फुली एक्टिव पपी है, फुली शानदार क्वालिटी का। तो गाइस जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे डॉग को परचेजिंग एंड सेलिंग के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूँ एंड फ्री एडॉप्टेशन के ऊपर। तो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए। गाइस अब आते हैं फाइनली इसकी एज प्राइस एंड लोकेशन के ऊपर। तो गाइस जो इस पप्पी की एज हो चुकी है वो हो चुकी है 3.5 मंथ की, 3.5 मंथ ओल्ड का मेल डॉग है। एंड गाइस जो इसकी लोकेशन है वो है ग्रेटर नोएडा, यस गाइस आपको ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल हो जाएगा, बट गाइस इसमें आपको डिलीवरी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ओनर के पास ये सिंगल ही अवेलेबल है। बाकी ओनर ने इसके ईयर क्रॉपिंग वैक्सीनेशन डन करा रखी है, तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका। एंड जो ओनर ने इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 20,000 रुपीज, यस गाइस 20,000 रुपये। गाइस प्राइस बहुत ही जेन्युइन है इसकी क्वालिटी के हिसाब से। बाकी एक आइज ब्लू है एंड एक आइज ब्लैक है और ईयर क्रॉपिंग भी करा रखी है एंड वैक्सीनेशन भी डन है, तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका है। गाइस ओनर ने बहुत ही एवरेज प्राइस रखा है, अगर आप एक डोगो अर्जेंटिनो पपी को परचेज करेंगे मेल डॉग को वही समथिंग आपको 25 से 30K के आसपास मिलेगा, बट गाइस ये इतना कम प्राइस वो भी अभी सेमी एडल्ट है, यस गाइस एडल्ट नहीं हुआ, तो आप इसको अच्छे से सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग करा सकते हैं। बाकी ओनर ने ट्रेंड करा ही रखा है, आप एक बार ओनर से बात कर सकते हैं इस डॉग को परचेजिंग के रिगार्डिंग, इस पपी को परचेजिंग के रिगार्डिंग। ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओनर कॉन्टैक्ट नंबर करके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं ओनर से इसको पपी को परचेजिंग के रिगार्डिंग। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे डॉग को परचेजिंग एंड सेलिंग के ऊपर वीडियो मिलती रहेगी एंड फ्री अडॉप्टेशन के ऊपर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको ओल्ड डॉग ब्रीड अवेलेबल हो जाएगी ओल्ड डिटेल के साथ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल करके, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को भी। बाकी गाइस हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और डॉग ब्रीड के साथ, जब तक के लिए गाइस बाय बाय।